देश को बचाना है, देश को बचाना है, खुद को साफ रखोगे, प्लैनेट के साथ लड़ाई करोगे नहीं। ये लड़ाई यू वर्सेस यू की है, आपको खुद से जीतना है, आपको अपने आप की जो बुराइयां हैं उनको हराना है, आपको किसी को किसी और को नहीं हराना, आपको मुझे नहीं हराना है, जो आपके अंदर बुराइयां हैं आपको उनको हराना है, आपको स्वस्थ रखना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अनमोल वस्तु है, बहुत प्रकार के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्रकार के मुद्दों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर ईयर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य बेहतरी को दर्शाता है। 1948 में WHO ने कहा था कि व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य में शामिल किया गया है, केवल बीमारी के अभाव को नहीं। हर एक व्यक्ति को अपनी मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य को उतना महत्व देना चाहिए जितना वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देता है। इस बात की कमी की वजह से अवसर उच्च रक्तचाप और तनाव जैसे समस्याएं जन्म ले रही हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए जैसे हमें 3R का पालन करना चाहिए, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। अगर हम अपनी पृथ्वी को साफ रखेंगे तो हम मानसिक अथवा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। पृथ्वी के बिना पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन संभव नहीं है। तो अंत में चंद पंक्तियों से अपने भाषण को विराम देना चाहती हूँ कि कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, तू इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी तेरी मंजिल तुझे, मिलेगी तेरी मंजिल तुझे, किसी और का ना तू इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो खड़े रहे इंतजार में उनकी जिंदगी में आज भी झमेले। सर आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश ठाकुर। तो सर आज यहाँ पे NMT स्कूल में जो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया गया, तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे स्कूल में आज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया गया था, सेलिब्रेट किया हमने। यहाँ पर डिबेट्स हुई, स्किट हुई, सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाए गए। डिबेट के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा फोकस बायोमेडिकल बेस्ड या TV शो पर दिया गया। तो सर प्लीज़ हमें ये बताइए कि आपकी जो डिबेट थी आज की, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो थे वो रखे गए थे? डिबेट में बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे कि और प्लैनेट और अर्थ, पोल्यूशन के बारे में इल्म होगा कि हमारी कायनात, हमारी जो प्लैनेट है, इसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हर साल की तरह इस साल भी हम 7 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेल्थ डे बना रहे हैं, साथ में जो इस साल का थीम है और प्लेनेट और हेल्थ। और ठीक है आप? बस ठीक, और बताइए क्या हाल है? बस ठीक है। कैसा चल रहा है हमारा मिशन 21 दिन का कैंप? बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्कीम है कि 2025 तक हम अपने इंडिया को TV फ्री करें, बल्कि वर्ल्ड में तो ये 2030 तक आ गई है, बट हमारे इंडिया में जो है ये 25 तक ही कम्प्लीट होना चाहिए। जी जी, हमें पता है ये 25 तक ही कम्प्लीट होना चाहिए। आपको पता नहीं जो है क्या लोगों को तो बताना है कैसे TV के लक्षण है, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो या वेट लॉस होना, वो सब समझाना उनको, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं। जी जी, हमें समझा रहे हैं, हम गए थे कल गांव में, गए थे वहाँ भी, 2-3 पेशेंट ऐसे भी थे जिनको मतलब खांसी और बुखार था, हमने उनको कहा कि अगर आपको ट्रीटमेंट करना है हमको, हमने उनको बात दिया है कि आपका जो सुबह का बर्गम होगा वे कब में जमा करके, तो हम आएंगे तो हम खुद ही ले लेंगे आपको। देखो कल ही हम कैंप पे गए थे, वहाँ पे हमने देखा लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा है, और वहाँ पे हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे थे जिनको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी थी, वेट लॉस हो रहा था, जिसमें TV के लक्षण दिख रहे थे हमें। जी बिल्कुल दिख रहे थे। तो बस हमें उनको अवेयर करना, उनको समझाना है TV क्या है इसके बारे में, ताकि वो खुद डॉक्टर के पास आके उसका इलाज करें। बिल्कुल, ये हेल्थ वेलनेस का यही काम है कि उनको ट्रीटमेंट दें और लोगों को अवेयर करें। चलो हम आज स्क्रीनिंग पे जाएं और देखें लोग कैसे हमारे गाँव में TV के शिकार हो रहे हैं। अभी खोंग लग रही, बड़े दर्द मुझे हटे ना। कब से कौन सी है आपको? वही जो हटनी है। अच्छा, आप एक काम करिए, पता लगे ये TV के लक्षण है इसमें या TV की शिकार हो रही है। ठीक है, हम इनका सुबह बर्तन ले आएंगे और आपका टेस्ट करेंगे।
फील्ड के अंदर, फील्ड टीवी के शिकार हो गए। आपको पता है ना, हम अपने डॉग्स सेंटर में ले जाएं और इनको अच्छे से डॉग्स प्रोवाइड करें, ताकि वो इनको अच्छे से समझाएं कि इनको टीवी को इनको कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो इनको ले लीजिए डॉग्स के पास, तो हम जाते हैं। तो आपको खांसी भी आपने बताया नहीं किसी को, आप शायद शर्मा रहे होंगे, मेरे को टीवी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, है ना, बताऊंगी टीवी है मुझे, लोग बोलेंगे टीवी है इसको, इससे दूर रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में बच्चे हैं। अब आपको पता है, आपको टीवी है, आप हमारे पास आए हो, हम आपको दवाई देंगे, आप ठीक हो जाओगे। आप ऐसे घर में रहते, बच्चे बीमार हो जाते आपसे, आप सोचो बच्चों का कौन होता है, माँ बाप होते हैं। अपना इलाज करवाओ अच्छे से, हम आपको दवाई देंगे, आप अपना इलाज करवाओ, आप ठीक हो जाओगे 6 महीने के अंदर अंदर। फायदा आपका है, आप ठीक हो जाओगे, गवर्नमेंट आपको 500 रुपया हर महीने देगी टाइम के लिए। और आशा वालों को तो पता ही है, इनका तो फायदा ही फायदा, आप ठीक हो जाओगे तो इनका तो फायदा फायदा है, इनको तो पता है। तो ये आपने इनका टीवी का टेस्ट करवाया, मैं इनको कुछ दवाई दूंगी, आपको नहीं दूंगी, क्योंकि लोग बोलते हैं किसकी दवाई है, टीवी की दवाई है, छुपा के रखो, खाऊंगी नहीं, ऐसे शर्माते हैं वगैरह। मैं आपको दवाई दूंगी, आपने इनको खुद खिलानी है, 6 महीने का वो कोर्स होता है, डेली आपने इनको एक टेबलेट खिला दूंगी, वो टेबलेट ये खाएंगे, आपने वो खाली पत्ता जो है वो मुझे ला के देना, मैं आपको दूसरा पत्ता यहाँ से दे दूंगी। देखो इनको कितनी खांसी है, आपने बताया नहीं इनको अभी तक। आप ऐसे कैंप्स में चाहती हो कि जैसा कैंप आपने परसों किया वैसे कैंप आप लगाते रहो, बस यही बताऊंगी मैं आपको, दवाई दे दूंगी, आप इनको वो दवाई डेली देना, मतलब 6 महीने का कोर्स है, वो दवाई आपने इनको देनी है, पत्ता एक मैं पत्ता आपको दूंगी, वो पत्ता खत्म हो जाएगा, वो पत्ता मुझे लाके देना, मैं आपको दूसरा पत्ता आपको उसका दे दूंगी, आपने वो पत्ता इनको खिला दूंगी। 6 महीने का कोर्स, आप 6 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे शर्माने की बात नहीं है। खांसी है आजकल, कोविड वालों को भी खांसी हो जाए तो उसको कोविड कर देते हैं, तो टेस्ट करवाना जरूरी होता है। आप चलो, आपको तो पता है, हम आपको दवाई दे रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे। तो हमारी इस किट के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते थे कि टीवी के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे मतलब दूर नहीं भागना, उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, और वो बताने में हेजिटेट होते हैं कि नहीं मुझे टीवी है तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मैं किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, घर में परिवार है, उनके बारे में भी सोचना होता है। अगर आप खुद बीमार हो तो आपके टच में अगर आ रहे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, तो उनकी केयर करना आपके हाथों में है। आप खुद जाओ, आपको जो आशा वर्कर्स, हमारी जो आशा बहन जी होती है, उनके पास जाइए, वो आपको हमारे पास लेके आएंगे, डॉट्स वालों के पास लेके आएंगे, डॉट्स वाले जो है वो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, और विद इन 6 मंथ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो टीवी जो है इससे घबराना नहीं है, टीवी को हराना है, देश को जिताना है।